हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने नर्सिंग गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के बटन को दबा के। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स के अंदर शिलोंग के अंदर वैकेंसी निकली है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी लास्ट डेट होगी और क्या इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ के लिए बने रहे वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट आप एप्लीकेशन मोड टोटल इसके अंदर ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, www.assamrifles.gov.in। ठीक है, इस पे जाके कर सकते हैं आप। लास्ट डेट जो होगी 14 जनवरी होगी। अब इसके अंदर बहुत बड़ा PDF है, मैं आपको एक बार मिनिमाइज करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा PDF है। इसको सारे को डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो मैंने इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो आपको बता दी। 14 जनवरी 2019 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन एप्लीकेशन, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक लिंक दिखेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। और जो SBI बैंक के अंदर आपका जो भी चार्ज वगैरह होगा वो आपको कटेगा। अब मैं तो बोलूँगा कि आप ईमित्र वाले के पास जाके भरिए आराम से। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपके सामने दी गई है। ठीक है, 200 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ इसके अंदर ग्रेड के अकॉर्डिंग दी गई है, तो आप ग्रेड देख लीजिए। ग्रेड देखने के बाद आपको पता लग जाएगी कि आपकी कितनी फ़ीस होगी। जब अप्लाई करोगे तो उसके अंदर पैसे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन होगा ST SC के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे पहले कि पोस्ट कौन सी है। सर, पोस्ट दिखाइए। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड नंबर पे आप जो पोस्ट देख रहे हैं स्टाफ नर्स की, फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली। तो जैसे कि हमेशा फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी आर्मी के अंदर ज़्यादा आती है, इस बार भी आसाम राइफल्स के अंदर फीमेल की वैकेंसी आई है। इसके अंदर पोस्ट मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, एज लिमिट दी गई है 25 ईयर्स। सबसे नोट करने वाली बात है 25 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ST से आप हो तो 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 5 ईयर का रिलेक्शन मिल जाता है, और ST वाले भी 20 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो पोस्ट है उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदर वैकेंसी है, अपने कोई काम की नहीं है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे कि फ़ीस हुई, ओके, और एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर ई मित्र वाले के पास जाओगे उसको पता नहीं होगा तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरी वीडियो देख के डायरेक्ट वहाँ से लिंक उठा लीजिए। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन मोड आएगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारी डिटेल बताई गई है। एप्लीकेशन लिंक आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो भी बात है इसके अंदर पोस्ट की, मैं आपको बताऊं कि सर आप पोस्ट नहीं बताए तो इसमें पोस्ट मेंशन नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज इसके अंदर पोस्ट दी गई है, बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर PDF है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लीज़ जाइए, वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। फीमेल वैकेंसी है, ठीक है, और बाकी कोई चीज़ है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट आपको ज़रूर करना पड़ेगा, इतने मैसेज वगैरह आते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।